पीएमआवास स्वीकृत कराने के नाम पर सरपंच और उसके गुर्गे मांग कर रहे हैं रिश्वत। ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर से की शिकायत। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौरानी में सरपंच और उसके गुर्गों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और जनवन आवास योजना में जमकर धांधली की जा रही है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और उसके गुर्गों द्वारा पैसा लेकर अपात्र लोगों के आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं, जबकि पैसे नहीं देने के कारण पात्र होने के बाद भी उनके आवास स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। इस पर जब जिला कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने शिकायतकर्ताओं से रिश्वत मांगने के सबूत पेश करने को कहा तो सभी लोग बगले झांकते नजर आए। फिर भी जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को मामले की जाँच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। सुनिए क्या कहा ग्रामीणों ने। थाना चर्चा और मैं ग्राम दौरानी गाँव हमारे आदिवासी सरपंच है, लेकिन वो क्या है आदिवासी सरपंच है लेकिन वो सरपंच ही कर नहीं रहा। गुर्जर और उसकी सरपंच ही कर रहे हैं दबंग लोग, तो गुर्जरों द्वारा वो सरपंच हमसे पैसा मांग रहा 5,000 रुपये की राशि, यानी कि हमारी दौरानी में 1,000 की वोटिंग है, वहाँ पर केवल एक सिर्फ यानी कि 9 कुटीरें आई हैं, 9 कुटीरें आई हैं और उन्हीं लोगों पर से उन्होंने 5,000 रुपये की राशि ली है। और वो तो कहता है कि हमें पैसे दो और कल कुटीर हम तुम्हें ला के देंगे। अब गरीब क्या क्या नाम है उसका? बर्दा? वो गुर्जर का रामबरन गुर्जर, बरन गुर्जर। तुम्हारे पास कुछ नहीं? हमारे पास नहीं है। वो क्या बच्चे ऐसी आदमी में मांगती है तो वो उनके पास ना तो मोबाइल ना कुछ, या तो सरपंच पे कार्रवाई की जाए या उसके दलालों पर कार्रवाई की जाए ताकि ये समाज का भले समाज का इसका उद्धार हो सके। इस तरीके से परेशान है हम लोग हर चीज में। उनने इतना दंगा मचा रखा है कि हमारा जीना आराम कर रखा है उन्होंने। अगर हमारे पास पैसा होता तो सारे आज हम इतने गरीब नहीं होते। वो 5 की जगह हम 10,000 रुपये देते हैं अगर हमारे पास होता तो, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है देने को, हम कहाँ से क्या करें। और हमारा जो आदिवासी सरपंच है वो हमारी बिल्कुल सुनता नहीं है, और बिल्कुल सुनता नहीं है आदिवासी सरपंच। वो उन्हीं ने वो सरपंच बनाया जबकि हमने उसको वोट डाला, लेकिन उन्हीं ने उनको सरपंच बनाया, उन्हीं ने उनको मतलब दादागिरी से वो अपने बीच में उनको रख रहे हैं। हमारी कोई मतलब सुन नहीं रहा वहाँ।